हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपके दोस्त सरिता चौहान। तो आज बात करते हैं वैक्स कैसे करेंगे घर में बैठे बैठे। पार्लर जाने की जरूरत नहीं है और कॉलेज की लड़कियाँ भी करा सकती है। क्या क्या सामग्री चाहिए? तो देखिए, यहाँ मुझे वैक्स की पट्टियाँ ले रखा है मैंने, आप दो ले सकते हो, लेकिन एक ही वैक्स की पट्टियाँ की जरूरत पड़ेगी। सीजर, आईब्रो कट करना, ये ब्रश लेंगे और ये आई शैडो पैलेट लेंगे जिसमें आपको ब्लैक कलर दिख रहा होगा, यहाँ भी है। पील करने के लिए एक आइसक्रीम स्टिक चाहिए और ये वैक्स चाहिए। थोड़ी सी पाउडर की जरूरत पड़ेगी और ये पाउडर लगाने के लिए। और वैक्स आपकी पट्टियाँ हैं आपको काट लेना है। चलिए काट के पहले पट्टियाँ ही बता देती हूँ। इस तरह से काटनी है, छोटी छोटी पट्टियाँ काटनी है। इस तरह से काट के हमें पूरा ये भर लिया। अब चलिए पाउडर लगा के हम बताते हैं, उसके पहले आईब्रो फिल करेंगे। तो चलिए आईब्रो फिल इसलिए करेंगे क्योंकि आगे एक्स्ट्रा नहीं निकल जाए, और ये तभी करना है जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, प्रैक्टिस स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। मैं फिल कर रही हूँ, दोनों आईब्रो फिल करना है, लाइन बनाना है। इस साइड करके थोड़ा डार्क कर लेंगे। पेन भी नहीं होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। फ्रेंड, यहाँ पे मेरी फील हो चुकी है, ऑलरेडी भर कर लिया। अब लेंगे ये वैक्स। वैक्स को आपको गुनगुने पानी में थोड़ी देर के लिए रख देना है। फिर अब लगाएंगे आईब्रो पे पाउडर। बिंदी हटा देंगे, हर बार मेरी बिंदी। अब ये पाउडर लगा लेंगे, दोनों पाउडर लगाना आपको और ऊपर भी। दोनों साइड लगा लेंगे, इस तरह से पकड़ा और एक खींच दिया। आपको दिखाई पड़ सकता है, बहुत छोटे हैं। अब यहाँ से इसका फोल्ड करेंगे। अब ये जो बचा हुआ है निकल गया, एक स्टॉक। फिर ये दूसरा ऊपर से लेंगे। जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पे लगी हुई है, पर वो निकल जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक कई बार इसको यूज़ करना, दूसरी बार बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। और ये यहाँ पे प्रेस करेंगे, यहाँ से खींचेंगे, थोड़ी थोड़ी निकल रही है। ठीक है, अब इसको कर लिया था, इसको मैं दोबारा यूज़ नहीं करूँगी। अब यहाँ से इसको रखेंगे, ये दबाएंगे और ये निकल गया, दिख रहा होगा यहाँ पे। इसको अगर यूज़ करना है, अगर यूज़ करना है दोबारा से, तो इस तरह से करेंगे और ये सेंटर में बचा हुआ था इस पर रखेंगे और इस तरह से निकल जाएगा। तो ये देखिए,
दिख रहा है यहाँ पे, ये बाल निकल रहा है। अब इसको साइड में करेंगे। और एक चीज़ और मैं जो वो कि भूल गई थी, ये यहाँ से काट लेना था, पर मेरी आईब्रो बहुत कम ग्रोथ होती है, तो इसको कट कर लेना इस साइड से भी, हल्की हल्की कट कर लेनी है। तो फिर थोड़ी सी और बची, अभी एक बार और कर लूँगी नीचे का। ऊपर का तो बहुत अच्छे से हो गया है। और एक बार और मैं नीचे से करूँगी। फिर नीचे से प्रेस करेंगे और यूं लगाएंगे। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये निकल रहा है। बहुत कम, अब दूसरा आईब्रो भी हम कर लेंगे इसी तरह से। चलिए दूसरे आईब्रो को भी। हाफ हाफ लेंगे, इकट्ठे नहीं करना, हाफ हाफ लेंगे। यहाँ से गया। फिर से ये अब लास्ट, अब ये लास्ट है मेरा, ये देखिए लेंगे। और इसका लेफ्ट वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेफ्ट आईब्रो में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर आपको कर लेना है। एक बार और करेंगे इस तरह से। आप चाहें तो डायरेक्ट ये पट्टी से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसी से बता देती हूँ। ये देखें यहाँ रखा, अगर पट्टियाँ नहीं काट रहे हैं, ये हो गया। फिर यहाँ से इसको फोल्ड किया, ये हो गया। और सेंटर का जितना चाहिए आप लगा लेंगे। सेंटर को भी मैं इसी से करके दिखाती हूँ, यहाँ पे रखेंगे। फ्रेंड आप पानी लेंगे और ये डिप करेंगे और लगा लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कीजिएगा लाइक शेयर, बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। मेरी बहुत लाइट है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।